इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आस्थार मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। बेलगाम में जल्द कोरोना वैक्सीन देने का काम जारी होने वाला है। पूरी रियासत में तकरीबन 90 कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की जल्दबाजी हुकूमत को है तो कांग्रेस कायद आनंद शर्मा और शशि थरूर ने मोदी हुकूमत की भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड के हंगामी इस्तेमाल पर एतराज जताया और तशवीश का इजहार भी किया है। बेलगाम लोकसभा और कॉरपोरेशन इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों पर है। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द मंजर आम पर आने वाली है। भाजपा की जानिब से वैसे भी पहले से कांग्रेस पर हमलावर होने की आदत आज भी जारी है। वैसे पिछले चुनाव में बेलगाम ग्रामीण के एमएलए मोहतरमा लक्ष्मी हेबाड़कर के खिलाफ काफी कोशिश भाजपा कायदों की जानिब से की गई थी, लिहाजा एक बार फिर भाजपा के रमेश जारकिहोली ने बेलगाम ग्रामीण ही क्या पूरा बेलगाम जिला को भगवे रंग में रंगाने की बात कही है। कभी जनाब रमेश जारकिहोली कांग्रेस बड़े कायद थे, तब इसी मोहतरमा लक्ष्मी हेबाड़कर के लिए चुनावी इजलासों में शिरकत किया करते थे और मोहतरमा हेबाड़कर की शान में कसीदे भी पढ़ा करते थे, पर अब अचानक कौन है लक्ष्मी हेबाड़कर मैंने नहीं जानता ऐसा बयान देकर सियासी सूझबूझ का कौन सा मुजारा करें ऐसे भी सवाल किया जा रहा है। इससे पहले भी जिले वजीर रमेश जारकिहोली ने लक्ष्मी हेबाड़कर पर बारहा तंज करते देखा गया। दूसरी तरफ बेलगाम ग्रामीण की एमएलए मोहतरमा लक्ष्मी हेबाड़कर ने भाजपा की तहजीब ही झूठ बोलने की है कहा था, झूठ इनकी फितरत में है ये भी कहा था, लिहाजा इसी बात का जवाब जिले वजीर ने दिया है। खैर, अब जब ग्रामीण में घूम फिर कर रमेश जारकिहोली आवाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे, पर कहा यह जाता है कि लक्ष्मी हेबाड़कर बेलगाम ग्रामीण में मजबूत पकड़ है, जिला वजीर के लिए पकड़ को ढीला करना इतना आसान भी नहीं है। कन्नड़ परचम भगवा परचम तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। वैसे भी चुनाव आते हैं तो हर चीज की कीमत वसूली भी जाती है, लिहाजा कन्नड़ परचम हो या मराठी परचम के तनाजे को कारपोरेशन और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा। वैसे भी बेलगाम लोकसभा में मराठी वोटरों की तादाद काफी है। भाजपा मराठी वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति भी अपनी कुवत मुकम्मल तौर पर झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कायद और एमएलए अभय पाटिल और भाजपा उत्तर एमएलए अनिल बेलके पर सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए समिति कायद दीपक दलवी ने कहा कि जिन्हें मादरी जबान का फख्र व एहसास नहीं ऐसे लोगों से मराठियों के लिए क्या तवक्को कर सकते हैं। वाजा रहे कि रियासती वजीर बेलगाम शहर के तरक्कियाती कामों का जायजा लेने के लिए शहर में तशरीफ आवर थे, तब मराठी कारपोरेटरों ने वजीर तरक्कियाती बसवराज के सामने एतराजात दर्ज करते हुए शहर के कामों के बारे में बताया। तब इन्हीं दो मकामी नुमाइंदों ने बदजुबानी का मुजहरा किया जिस पर मराठी आवाम काफी नाराज नजर आ रही है। अब एमएस ने 21 जनवरी को एहतजाज करने का इशारा दिया और कहा कि जब तक कारपोरेशन के सामने लगाया हुआ कन्नड़ परचम नहीं हटाया जाएगा एहतजाज करते रहेंगे। लिहाजा 21 जनवरी को एहतजाज करते हुए भगवा परचम भी कारपोरेशन के सामने लगाएंगे ऐसा इन्होंने कहा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कारपोरेशन चुनाव के लिए मरकजी लीडरों का आमला हैदराबाद में दाखिल हुआ था। लिहाजा एक बार फिर लोकसभा और कारपोरेशन चुनाव के मद्देनजर बेलगाम शहर को मरकजी वजीर दाखिला यानी माननीय गृह मंत्री अमित शाह तशरीफ ला रहे। वैसे आने की वजह बजाहिर पंचायत चुनाव में भाजपा से कामयाब उम्मीदवारों का जनसेवक मेला का एहतमाम किया गया है। कांग्रेस की जानिब से केपीसीसी मीटिंग बेंगलोर में तलब की गई थी और हुबली में भी आने वाले चुनावों के मद्देनजर कारकुनान की मीटिंग की इत्तला हासिल हुई है। लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता सरगर्म हुए हैं। भाजपा में उम्मीदवारों की तवील फहरिस्त है जिसमें साबिक एमएलए एमपी भी ख्वाहिशमंद है। भाजपा से टिकट के लिए अमरीका वाशिंगटन से भी सूर्यकांत संतरी ने उम्मीदवारी तलब की है। भाजपा में दिगर ख्वाहिशमंद हजरात में प्रभाकर कोरे, सुरेश अंगड़ी की बेटी श्रद्धा शेट्टर, संजय पाटिल, डॉक्टर रवि पाटिल, महंतेश कवड़की मठ। वहीं कांग्रेस की जानिब से प्रकाश उक्केरी, सतीश जारकिहोली, लक्ष्मी हेबाड़कर, अंजलि निंबाळकर, महंतेश कौशल की कांग्रेस की जानिब से मुकम्मल कोशिश की बात तो कही जा रही है, पर यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस के गिरते मियार के मद्देनजर आपसे इख्तलाफात से बाज नहीं आ रहे जिससे जीतने के इम्कान कम हो जाते हैं। अब जब अमित शाह की एंट्री और भी परेशानी में इजाफा कर सकती है, क्या कांग्रेस के बुजुर्ग कई सतीश जारकिहोली और डीके शिवकुमार एक बार फिर कांग्रेस में नई जान भर देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा।
बेलगाम में एक बार फिर गुंडागर्दी की वारदातों में इजाफा होता दिखाई दे रहा, वैसे भी चोरी, गांजा, गैर कानूनी शराब की आमद की भी तला वैसे हर रोज हासिल हो ही रही। लिहाजा पाटिल गली खासबाग में सज्जाद महबूब मकानदार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें सज्जाद शदीद जख्मी हुआ। फौरी तौर पर सज्जाद को यश अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर जेर इलाज है। हासिल इत्तला के मुताबिक सज्जाद मकानदार का पाटिल गली खास बाग में चिकन का दुकान है, जहां पर शराब के नशे में एक शख्स दाखिल हुआ और सज्जाद से बहस करने लगा और तेज हथियार के साथ उसने सज्जाद पर हमला किया और वहां से वो भाग निकला। सज्जाद खून में लथपथ पड़ा हुआ था, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया। सज्जाद खतरे से बाहर होने की बात कही जा रही है, पर तमाम मोहल्ले वालों ने पुलिस इंतजामिया से मुतालबा पेश किया है कि मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए, ताकि शहर और मोहल्ले में अमन बरकरार रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।